जो आप क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगाते हैं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लगता है? दस्तकार है जो कि 40 साल तकरीबन पुरानी संस्था है, और उनका मकसद यही था कि जो इंडिया का हमारा क्राफ्ट है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा हेरिटेज है, उसको बचाया जाए। रूरल सेक्टर में सब काम हो रहा है, लेकिन उसको अर्बन सेक्टर तक लाने का जो एक प्रक्रिया थी, वो दस्तकार ने मुहिम उठाई कि उसको आम ला सके और आम जनता तक पहुंचा सके। तो इसमें किस टाइप के कारीगर आपके साथ काम? ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, लेकिन अपने गांव के आसपास या तो बेच रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, उनके हाथ में जो हुनर है उसको आम जनता तक वो नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा और उनको चीज़ें सिखाई, मार्केट के मुताबिक क्या डिज़ाइन होने चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन सबको हमने ध्यान में रखते हुए उनको आगे बढ़ाया। काफ़ी हद तक उनको अवेयरनेस और एजुकेशन भी दिया कि नहीं तो क्या होता है जब आप एक जगह बैठे हैं गांव में, तो एक बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लगता है कि ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए। तो वो समझ आने के बाद उनमें वो जो आत्मविश्वास आया सामान अपना खुद बेच के, वो चीज़ ने उनके काम और उनके अपनी लाइवलीहुड में सब में परिवर्तन किया। तो साल में कितना आप एग्जीबिशन इस टाइप का करते हैं? दिल्ली में हम लोग, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड हैं और दिल्ली में हमारी मतलब दिल्ली में ही हमारी संस्था काम कर रही है, तो उसमें हम वहाँ पर हमारे पास एक परमानेंट स्पेस है अंधेरिया मोड़ पे, नेचर बाज़ार के नाम से, वहाँ हम साल में 9 इवेंट करते हैं, हर महीने करते हैं, गर्मी के समय नहीं करते 3 महीने। और उसके अलावा हम बाहर कुछ मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, जैसे बेंगलुरु में से एक है जिसमें हम साल में एक बार आते हैं, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जिसमें हम इवेंट्स करते हैं साल में एक बार। तो सर, जो जितने भी मेट्रो में आप करते हैं, आप इस कारीगर के लिए जिस टाइप के आप काम को लेके सामने आते हैं, कौन सा सिटी आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है कारीगर के लिए? कारीगर के लिए हालांकि क्राफ्ट पे डिपेंड करता है, बट बैंगलोर में हमें हमेशा से, मतलब ये हमारा 16वां इवेंट है, पिछले 16 साल से तकरीबन हम हर साल ही आते रहे हैं। और बैंगलोर में सबको ये लगता है, एक तो लोगों के पास बाइंग पावर है, बट उसके साथ साथ क्राफ्ट की समझ और क्राफ्ट की अवेयरनेस है, लोग अप्रिशिएट करते हैं जब वो कारीगरों को कुछ काम करते देखते हैं, कुछ खरीदते हैं तो उनसे बातचीत भी उस तरह से होती है। बहुत से लोग रेगुलरली जो आते हैं वो खुद से भी कारीगरों को सपोर्ट करते हुए कभी उनको सलाह भी देते हैं, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लोग सामने से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है बैंगलोर में हमें। तो आपकी संस्था, आपके ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई कारीगर जुड़ना चाहता है तो वो क्या पैरामीटर्स? देखिए, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि एक मिडिल मैन नहीं हो कि इधर से खरीदा उधर से बेचा, एक खुद कारीगर हो जो काम जानता हो, काम करता हो और उसमें चाह हो कुछ नया करने की। नहीं तो कितनी बार ये भी होता है कि वो जो बना रहा है उसको लगता है बस मतलब ये बिक जाए मेरा काम खत्म। तो कुछ बढ़ना, यदि उसके हाथ में हुनर है तो उस हुनर के साथ उसको चीज़ें आगे बढ़नी समझनी, और काम में कितनी महीन बना है, उसके काम कितना अच्छा कर रहा है, उसमें उसकी क्या ताकत है, उस चीज़ को हम सब समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, उसके साथ यदि जो लोग जुड़े हैं उनको भी वो मुनाफा दे रहा है, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं अपने साथ। तो अभी इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट आए तकरीबन? काफ़ी तरह के प्रोडक्ट हैं, मतलब तकरीबन हम 20 अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पर हैं, और कई तरह का क्राफ्ट कपड़े की, हर तरह के कपड़े हैं, फर्नीचर है, डेकोरेटिव्स है, ज्वेलरी है, फुटवेयर है, तो क्राफ्ट बहुत तरह का क्राफ्ट है यहाँ पर। अब लोगों को आना पड़ेगा ये देखने के लिए, तो ये समझने के लिए। 28 तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।